का लुक दा। और इसको पहले तो सबसे पहले दबा देना है ये गोनी के ऊपर इस तरह से फैला देना अच्छी तरह से। और फैला देने के बाद ये जो कली के पत्र बनाए हैं इसके ऊपर ऐसे पतले पतले बिखर देना है। के बाद ये दोबारा लुब्धा इसी वनस्पति का दोबारा इसको लुब्धा देना है ऊपर से भी। पत्रों को पूरी तरह से इसके अंदर ढक देना है। और इसको ऐसा दबा के इसके अंदर पैक कर देना है, सारे पत्रे दिखे नहीं और इसके अंदर दब के पैक हो जाए। और कुछ बाकी भी पत्र रह जाए तो भी इतना कोई नहीं है, अगर कोई अच्छा रह भी जाए कुछ तो इसको दोबारा आग देना इसी तरीके से। अरे ये एक ही आग में बन जाता है। अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसी रस्सी से बांध देना है और इसको आग के अंदर 7-8 किलो के आग के अंदर रख देना, बस कुछ नहीं हो गया ये काम। रख दो 7-8 घंटे में आग जब ठंडी हो जाएगी ये भस्म फूल के तैयार हो जाएगी। कट कर दो। ये जो कल रात को रखी थी ये कली भस्म अब बन गई है। अब देखेंगे कितनी कच्ची है या क्या क्या हो गया इसका। ये जो पॉपकॉर्न की तरह दिख रहा है ना, ये सब कली भस्म आई है। ये फूल के भस्म बन जाती है। अब इसको जमा कर लेना है। कली तो भस्म बन गई है और ऐसी बन गई है ना, इसको ऐसा भी कर दो ना हाथ से भी ये टूट जाती है।